बॉलीवुड में खिलाड़ियों की जिंदगी पर कई फिल्में बनाई गई हैं। इस लिस्ट में मैरी कॉम, भाग मिक्का भाग जैसी कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। ऐसे में पिछले दिनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज की बायोपिक काफी चर्चा में रही थी। हाल ही में ऐसी खबर आ रही है कि मिताली राज के किरदार में तापसी पन्नू नजर आ सकती हैं। बता दें कि मिताली राज की भूमिका के लिए तापसी पन्नू को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिलहाल एक्ट्रेस को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर का चुनाव करना अभी बाकी है। इसके अलावा फिल्म की अभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इससे पहले भी एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू इस बायोपिक को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये ऑफर मिलता है तो खुशी खुशी करना चाहेंगी। अब वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस कई फिल्मों में इस साल नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस तापसी पन्नू सांझ की आग के अलावा मिशन मंगल, तड़का जैसी फिल्मों में भी दिखाई देंगी। आखिरी बार एक्ट्रेस गेम ओवर में नजर आई थी। अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई थी लेकिन अपनी लागत वसूलने में कामयाब हुई थी। बता दें कि गेम ओवर फिल्म को कुल 9 करोड़ के बजट में बनाया गया था तो वहीं गेम ओवर ने 2 हफ्तों में 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि तापसी पन्नू की इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी बनती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पर मिलेंगे ऐसी चटपटी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।